गुड मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 2 जुलाई और अभी सुबह के 10:30 बज रही है। मैंने सोचा कि आपको मेरा हॉस्टल दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। काफ़ी सारी जगह देखनी है आज और आप लोगों को भी दिखानी है। सो मेरे हॉस्टल का नाम है रेगिस्तान सेंटर, यहाँ पर उसका बोर्ड लगा हुआ है और ये है इसका एंट्रेंस। का रूम काफ़ी बिखरा हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो ये है मेरे गेस्ट हाउस का रूम और मैंने ये शेयर्ड वाला रूम लिया है। तो इसके अंदर 3 बेड्स है, ये वाला बेड मेरा है। अभी थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरा लैपटॉप वगैरह सब कुछ रखा हुआ है क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो आज ये छोटा वाला बैग लेकर जाऊँगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एयर कंडीशन है और साथ ही साथ आपके रूम में ही टॉयलेट है। सो काफ़ी बढ़िया है यार वैसे तो होटल। और इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ करीब $8, तो उज़्बेकी सोम में 90,000 सोम पे कर रहा हूँ मैं। और उस हिसाब से थोड़ा सा महंगा है लेकिन गेस्ट हाउस है, इसके अंदर ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखा नहीं पाया लेकिन कोशिश करूँगा कल दिखाने की। कल हमको मिला था कुछ अलग और आज मिला था बकवीट और काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं यार ये लोग ब्रेकफास्ट के लिए। सो उस हिसाब से गेस्ट हाउस तो काफ़ी बढ़िया है, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ ये वाला गेस्ट हाउस, क्योंकि सबसे सस्ता मुझे यही वाला मिला। और LOD भी यहाँ पर आ रही थी, टोलका वगैरह भी यहाँ पर आ रहे थे। सो हम चारों कल थे यहाँ पर, फिर टोलका तो निकल गए कल, लेकिन अभी मैं अकेला ही हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारी जगह दिखानी है। और LOD अपना कहीं और जा चुकी है, वो सुबह जल्दी निकल गई थी लेकिन मैं थोड़ा सा लेट उठा, तो फिर आराम से नहा धो के और फिर अब निकलने वाला हूँ मैं। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है यहाँ पर कि सॉकेट सिर्फ एक ही है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे बेड के पास में कोई सॉकेट नहीं है, वो वाले बेड के पास में एक सॉकेट है और इस साइड में और कोई भी सॉकेट नहीं है और बीच वाले बेड पर कोई भी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सब चादर वादर निकाल दी थी। पर एयर कंडीशन होने की वजह से काफ़ी रिलीफ होता है यार, क्योंकि बाहर 40 डिग्री का टेम्परेचर है और बिल्कुल बेयर नहीं होता भाई। फिर भी ये फुल स्लीव्स पहन के जा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर सकते यार। पर यहाँ के लोगों को बिल्कुल गर्मी नहीं लगती यार, ये बोल रहे हैं कि कल हम लोग जब वहाँ पर रेगिस्तान सेंटर में घूम रहे थे, वहाँ पर हमने गाइड लिया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर टेम्परेचर 60 तक भी पहुँच जाता है और उसके बाद भी लोग नॉर्मल रहते हैं। सो 40 डिग्री उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40 डिग्री यार इंडिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा, 40-45 डिग्री हो जाता है तो हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है कि बस वो ऐसी गर्म हवा नहीं चलती है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, अभी गलत टाइम पर आया हूँ मैं, इस वजह से थोड़ा बहुत भुगत रहा हूँ। वरना अगर सही टाइम पर आते हो आप, अगर विंटर्स में आ सकते हो, उसके अलावा थोड़ा बहुत जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है करीब अप्रैल या मई में, तब आ सकते हो, तब बेस्ट टाइम रहता है यहाँ पर आने का। अभी किर्गिस्तान में उज़्बेकिस्तान में आने का बिल्कुल गलत टाइम है, तो शायद मुझे पहले उज़्बेकिस्तान आना था, उसके बाद फिर किर्गिस्तान जाना था। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी हो उज़्बेकिस्तान घूम रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। समरकंद काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है और साथ ही साथ काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, काफ़ी सारा हिस्ट्री है, काफ़ी सारा कल्चर है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो इंडिया से रिलेटेड है, टर्की से रिलेटेड है, क्योंकि जो यहाँ के एम्पायर थे, जो यहाँ के किंग थे, वो अमीर तैमूर, जो मैंने आपको बताया था ताशकंद में, उन्होंने रूल किया था समरकंद, यहाँ पर कैपिटल बनाना चाहते थे वो पूरे उनके एम्पायर का, और इस वजह से उन्होंने समरकंद को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया था और काफ़ी रिच स्टेट बना दिया था, रिच सिटी बना दी थी समरकंद को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, काफ़ी पुअर है इकोनॉमिकली, और उस वजह से इतने बड़े बड़े नोट चलते हैं यहाँ पर। अभी 1-1 लाख के नोट में खर्चा कर रहा हूँ। सो 1 लाख मतलब 700 रुपये,
सौ से हिसाब से 90,000 सोम देना पड़ रहा है मुझे यार यहाँ पर। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट टैक्स वगैरह लगता है, और अगर आप काउच सर्फिंग करते हो सो वो आप नहीं दोगे, आप होटल की फ़ीस नहीं दोगे काउच सर्फिंग की, क्योंकि काउच सर्फिंग की वजह से वहाँ पर पैसे ही नहीं लगते हैं। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पर कुछ जो ये हॉस्टल का या होटल का जो टैक्स लगता है वो आपके शायद तक आपको एयरपोर्ट पर कुछ स्लिप व्लिप दिखानी पड़ेगी कि मैं इस होटल में रुका हुआ था, तो वो मैं इनसे कंफर्म करूँगा कि वो मुझे स्लिप देंगे या नहीं। पर बाकी चीज़ें तो काफ़ी सही है भाई, समरकंद में काफ़ी घूमने में मज़ा आ रहा है, और आज और मज़ा आने वाला है। कल तो मैं सबके साथ घूमा था, लेकिन आज मैं अकेले जाने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा अमीर तैमूर के मॉन्यूमेंट से, और फिर जाऊँगा यहाँ के ऑब्जर्वेटरी तक। तो ये है मेरे पीछे समरकंद का आमिर तैमूर का स्टैचू, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो अपने थ्रोन पर बैठे हुए हैं। जो ताशकंद में स्टैचू था उसके अंदर वो अपने हॉर्स पर थे, और एक और स्टैचू है इनका जो शायद बुखारा में है, वहाँ पर ये खड़े हुए हैं। सो ऐसा माना जाता है, और ऐसा शायद हिस्ट्री थी तो सच भी हो सकता है, कि आमिर तैमूर बहुत ही बढ़िया वॉरियर थे, क्योंकि उन्होंने कैप्चर कर लिया था बहुत सारे एरिया को, जैसे मैंने बताया आपको टर्की से लेके तो इंडिया तक सब जगह उन्होंने कैप्चर कर लिया था। उसके अलावा वो एक बहुत बढ़िया राजा थे, इसलिए यहाँ पर उनका थ्रोन के ऊपर है स्टैचू। और फिर उसके अलावा एक वो बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बढ़िया बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। शायद उनके समय में वो चेस में सबसे ज़्यादा माहिर थे, सो चेस में उनसे कोई जीत नहीं सकता था। तो इस वजह से बुखारा में उनका एक अलग से स्टैचू है जिसके अंदर वो खड़े हुए हैं एक इंटेलेक्चुअल की तरह। सो काफ़ी बढ़िया स्टैचू है यार। मैं कल भी आया था यहाँ पर, लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, सो आज फिर से आया हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और इस स्टैचू की खास बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, मतलब इसके इस साइड में ओल्ड उज्बेकिस्तान है और दूसरी साइड में उज्बेकिस्तान है जो रशिया ने डेवलप किया था सोवियत टाइम में। सो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बिल्कुल एक बड़े से स्क्वायर के बीचों बीच ये बनाया हुआ है। लेकिन इसके आसपास में बढ़िया बढ़िया पार्क बना रखे हैं, सो आप यहाँ पर आके बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, और साथ ही साथ इस स्टैचू को देख सकते हो। ये स्टैचू का बैक साइड है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया और क्या डिज़ाइनिंग करी हुई है इसकी। लेकिन थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये अमीर तैमूर का ओरिजिनल फेस नहीं है। सो एक जो समरकंद के रेगिस्तान सेंटर में जो उनका एक ओरिजिनल स्टैचू रखा हुआ है, ओरिजिनल कह सकते हैं क्योंकि वो साइंस के द्वारा डेवलप किया हुआ है, किसी ने साइंटिस्ट ने उनके स्केलेटन की स्टडी करी थी और उसके हिसाब से फिर उनका फेस का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, और वो स्टैचू उस हिसाब से बना हुआ है। सो हो सकता ही है उनके चेहरे के आसपास है, लेकिन ओरिजिनल नहीं कह सकते। अमीर तैमूर का जन्म मेरे ख्याल से 14th सेंचुरी में हुआ था, और वो समरकंद के पास में किसी एक छोटे से सिटी में हुआ था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर समरकंद को उन्होंने कैपिटल चुना था, और इसी वजह से ये पूरे एशिया का या उनके पूरे एम्पायर का इसको कैपिटल बनाना चाहते थे। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि उन्होंने समरकंद को काफ़ी ज़्यादा रिच बना दिया था, और जहाँ जहाँ पर उनका एम्पायर था, जहाँ जहाँ वो रूल कर रहे थे इंक्लूडिंग इंडिया, सो इंडिया में इनकी काफ़ी बुरी इमेज है, क्योंकि इन्होंने इंडिया को कॉन्कर कर लिया था, इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था, स्पेशली दिल्ली को इन्होंने बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बस वही मैं बोल सकता हूँ कि हमारी कंट्री के लिए भले ही वो एक विलन की तरह है, या फिर रशिया के लिए वो एक विलन की तरह है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं यार। अब इतने बड़े राजा थे जो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री के पार्ट हैं, तो कुछ लोग पसंद करेंगे, कुछ लोग ना पसंद करेंगे, लेकिन समरकंद के लिए, उज्बेकिस्तान के लिए ये इनके सबसे बड़े हीरो हैं, और आज फादर ऑफ उज्बेकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं अमीर तैमूर। और उसी के पास में यहाँ पर अमीर तैमूर का मसोलियम। कल मैं यहाँ पर आया था लेकिन अंदर नहीं गया था, और आज भी अंदर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है यहाँ पर। और सबसे बढ़िया यहाँ पर एक चीज़ है कि यार, एक तो सबसे पहले सब लोग मास्क लगाने के लिए बोलते थे, जो भी पुलिस वाले मिलते हैं यहाँ पर वो मास्क लगाने के लिए बोल रहे थे। कल भी हमको बोला था और इसी एरिया में आज फिर से मुझे बोला है। सो अगर आप यहाँ पर आते हो तो मास्क ज़रूर लगा लेना भाई, और मास्क एटलीस्ट साथ में तो रखना है, और अंदर जा रहे हो तो मास्क लगाना तो ज़रूरी है ही। लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, फिर भी मास्क लगाने के लिए बोला मुझे। सो इस मसूलियम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, काफ़ी हिस्टोरिकल और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर अमीर तैमूर की ग्रेव है, उनकी बॉडी को यहाँ पर दफनाया गया था और उन्होंने कहा था कि मेरी ग्रेव को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और जो भी करेगा उसको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और बहुत बुरी तरह से वो उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सो काफ़ी सालों तक तो ये किसी ने नहीं किया, लेकिन 1940s में या 1930s में कभी किसी ने किया था, जो थे रशिया के एक साइंटिस्ट कह सकते हो आप। सो उसके जस्ट नेक्स्ट डे पर जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया था और काफ़ी सारे लोगों का मतलब मौत हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा जर्मनी ने नुकसान किया था रशिया को और तब भी काफ़ी लोग मान नहीं रहे थे कि यार ये इस ग्रेव की वजह से हुआ है और उन्होंने डिस्टर्ब किया उसको, इस वजह से हुआ है। लेकिन जो स्टालिन थे उन्होंने उसको मान रखते हुए उनके जितने भी रिमेंस थे या जो भी उन्होंने कुछ यहाँ से लिया था वो वापस समरकंड भेजा और अब वो फिर से यहाँ पर है। सो अब इसको किसी तरह का श्राप मान सकते हो या कुछ भी हो, लेकिन काफ़ी सही चीज़ है ये भाई। और अभी इसके अंदर जाने के लिए आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है मेरे ख्याल से 25,000 जो होता है करीब 2,000 या 200 या 300 रुपये, लेकिन मैं तो अंदर जा नहीं रहा हूँ, आपको बाहर बाहर से दिखा देता हूँ। और आप अंदर जा सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, लेकिन मुझे काफ़ी सारी जगह दिखानी है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा रेगिस्तान और फिर आगे कहीं ना कहीं जाते रहूँगा। और 1 बजे तक मुझे ऑब्जर्वेटरी पहुँचना है क्योंकि 1 बजे ऑब्जर्वेटरी में मेन टाइम होता है, क्योंकि उन्होंने जो अमीर तैमूर के ग्रैंडसन थे उन्होंने वो ऑब्जर्वेटरी बनाई थी और वो इतनी साइंटिफिकली बनाई हुई है कि वहाँ पर वो कैलकुलेट कर रहे थे कि अर्थ फ्लैट है या फिर राउंड है और फिर टाइम कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको साइंस में इंटरेस्ट था इसलिए वो स्टडी करते थे वहाँ पर। और वो ऑब्जर्वेटरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको मैं 1 बजे दिखाऊँगा अगर मैं पहुँच पाया तो, लेकिन कोशिश तो पूरी करूँगा कि 1 बजे वहाँ पर पहुँच जाऊँ और फिर वहाँ पर क्या होता है वो आपको वहीं जाकर दिखाऊँगा। आमिर तैमूर के मसोलियम के जस्ट पास में के वाला मसोलियम है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आमिर तैमूर के मेंटोर का मसोलियम है और उनके सारे बच्चों का मसोलियम है। और उनका शायद से नाम था शेख बुरहानुद्दीन सागर जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सबसे पुराना और वन ऑफ द सर्वाइविंग मोन्यूमेंट्स है यहाँ पर। सो शायद से ये आमिर तैमूर ने बनवाया था 1380s में और उसके बाद से ही अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। इतने सारे अर्थक्वेक हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन ये वाला मोनूमेंट लगभग एज इट इज़ है। और इसके जो ये वाला गेट है मेरे ख्याल से इस साइड में और इधर से आप अंदर से देख सकते हो, अंदर तो मैं जा नहीं रहा, कल हम लोग अंदर गए थे, लेकिन अंदर बहुत सारी ग्रेव्स हैं, उसमें से एक बड़ी ग्रेव है जो है रोहाबाद मसोलियम। तो इसका नाम है रोहाबाद मसोलियम और आप देख सकते हो भाई यहाँ पर आके लोग बग प्रे करते हैं और यहाँ पर इनकी सबकी ग्रेव्स है। और शेख बुरहानुद्दीन सागर जी की यहाँ पर ग्रेव है जो जिनकी डेथ हुई थी चाइना में और उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया था। तो कल मैं आया था यहाँ पर लेकिन कल कोई भी नहीं था, आज भी कोई भी नहीं है, तो पता नहीं क्यों कोई भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है ये और बहुत कम लोग इसको विज़िट करते हैं। देखने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग मॉसोलियम नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है और उसके हिसाब से सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाई थी ये मेरे ख्याल से उस समय में, और सबसे अच्छी बात ये कि अभी तक सर्वाइव कर रहा है ये। तो ये सब समरकंद में जो रेगिस्तान है उधर सब कुछ रिनोवेट हो चुका है, लेकिन ये मेरे ख्याल से आप देख सकते हो ये सब ओरिजिनल है और अभी भी आप इसको हाथ लगा के देख सकते हो, ये सारी दीवार ये सब कुछ ओरिजिनल है। आई होप ओरिजिनल हो यार, मैं कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। सो आर्किटेक्चर वाइज अगर आप उसको रेगिस्तान सेंटर से कंपेयर करोगे सो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप ये भी देखो कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है यार, 1380s में बनाया था ये, सो आज से लगभग 700-800 साल पहले बना हुआ है और उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव कर रहा है। और आप देख सकते हो इसके दरवाजे वगैरह पर डिटेल्स कितनी प्यारी बनाई हुई है, ये इनके वुडन दरवाजे हैं और इसके ऊपर कितनी प्यारी डिटेल बनाई हुई है। और उसी तरह से यहाँ पर